नमस्कार, आप देख रहे हैं सर ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी के सेल्टेक्स ऑफिस के पास है, क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान में है। जब देखिएगा हमारे पीछे देखिएगा तो ये सरकारी है और हॉस्पिटल भी है, हॉस्टल भी है। जोर शोर से निर्माण कार्य चल रही है। अभी अभी पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह हो या फिर पटना सिटी एसडीओ सत्यम सहाय और डीएसएलआर तमाम लोग दल बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए थे और इस भवन के चारों तरफ मुआयना किए हैं। लेकिन भवन के निर्माण का तमाम तरह से भ्रमण करने के बाद जब यहाँ का जो विवादास्पद जो ज़मीन है वो ज़मीन को लेकर पूरे मामले में जब देखिएगा तो लगातार ये विवादास्पद ज़मीन है। किसका ज़मीन है, क्या है, ये तो आगे आने वाला समय ही बात कर पाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में पटना डीएम हो या फिर इससे क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्रीय उप निदेशक क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी बात को सुन लेते हैं। कुछ विगत कुछ समय से सर जमीन को लेकर विवाद इस तरह। ये हम लोगों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यूनानी पद्धति से चिकित्सा यहाँ होती है, रिसर्च होता है, पढ़ाई होती है और इसी कैंपस में आयुष चिकित्सा के लिए भी भवन बन रहा है, लगभग तैयार है। तो उसका रास्ता है वो एक व्यक्ति जो है बाधित करता है बार बार और बाउंड्री वगैरह भी कर लिया था, गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। हमको पता चला कि जो प्रिंसिपल साहब और यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं, वरीय चिकित्सक हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था, तो उस पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और हमको पता चला है कि वो अंचलाधिकारी हैं सरकार में ही, तो उनके विरुद्ध जो है प्राथमिकी दर्ज है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए भी हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं और अनुमंडल पदाधिकारी और संबंधित थाना को निर्देशित किया गया कि किसी प्रकार का व्यवधान इसमें नहीं डालेंगे, रास्ता बाधित नहीं करेंगे और ज़मीन की जांच की जा रही है। अगर उनकी निजी ज़मीन होगी तो उसको एक्वायर किया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा, लेकिन जो वर्षों से चल रहा है, 40-50 साल से जो रास्ता चल रहा है उसको अपना निजी बता करके उसको बंद करना, दुर्व्यवहार करना सभी लोगों के साथ, जो मरीज आ रहे हैं उनके साथ भी, जो यहाँ डॉक्टर हैं उनके साथ भी, तो ये उचित नहीं है। इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। पटना डीएम और एसडीओ अभी आए हैं सर, क्या बात हुई है? सॉरी, हाँ सर, उनसे बात हुई है कि चूँकि जो हमारे यहाँ जो पीछे बाउंड्री बनाया हुआ है, जो पीछे आयुष डिपार्टमेंट का बना हुआ है, उनका रास्ता नहीं है, तो पहले इन्होंने चंद्रशेखर डीएम साहब ने जो इसको तोड़वा दिया था, लेकिन जो प्रेम कुमार सीओ साहब हैं हाजीपुर के, इन्होंने दोबारा उस पर कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो उन्होंने उनको और हमारे चूँकि यूनानी टीम को जो उन्होंने चूँकि हमारे साथ जो मारपीट किया था तो उस पर उन्होंने कहा कि कहते हैं कि तो इसको दो दिन के अंदर इसको तोड़वाने के लिए बोला है और उनके साथ कार्रवाई करने के लिए कहा है, जो हम लोग के साथ कर्मचारियों के साथ पिटाई की है। डीएम साहब के आपसे बात से क्या आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उनके पास मैं पहले भी गया था जब इन्होंने दीवार बनाई थी, तो उस वक्त मैं गया था, इन्होंने कहा था 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी और उन्होंने वाकई में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करके तुरंत दीवार को गिरवा दिया था और फौरन जो है यहाँ पर पक्का करवा दिया था ताकि दोबारा कार्य न करने पाएँ, तो इसलिए मैं उनके कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हूँ।